कमलापुर के करीब एक अच्छा गांव था और उसका नाम उबयापल्ली था। वो गांव इडली के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उस गांव से गुजरता था वो जरूर एक प्लेट इडली तो खा के जाता था। और उन प्रसिद्ध इडली को बनाने वाले थे चंद्रैया और उसकी पत्नी ज्योति। उनका व्यापार अच्छे से चलाते थे और उनका उस गांव में अच्छा नाम भी था। ज्योति लालची थी, पैसे कमाने की लालच थी उसे। एक दिन एक आदमी इडली खाने आता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा आपको। ऐसे कैसे होगा, पहले पैसे देकर यहाँ से जाओ। ठीक है, आप चले जाइए, अगली बार जब इस तरफ आएंगे तो दीजिएगा। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा, ऐसे गुस्से में कहकर उसका काम करते रहती है। चंद्रैया का एक आदत था, अगर रास्ते में उसको कोई भूखा दिखा या कोई बूढ़े दिखे तो वो मुफ्त में उनको इडली खिलाता था। चंद्रैया और ज्योति रोज आए हुए पैसों को बचाते थे। एक रात वो ऐसे बात करते हैं, देखिए ये पैसे हमारे मेहनत के हैं, अगर आप इसे ऐसे ही दान करते रहेंगे तो आखिर में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास अपने पेट भरने के लिए पैसे तो है ना, और बाकी के बचा भी रहे हैं, तो किस चीज की चिंता है तुम्हें। दिन अच्छे नहीं है जी, न जाने आगे कौन से कष्ट उठाने पड़ेंगे। ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। सुबह होते ही दोनों उनके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, इडली बनाना और आए हुए पैसों को बचाना। दिन उनके ऐसे ही बीत रहे थे जब अचानक एक रात को चंद्रैया के घर में चोर उनके सारे पैसे चोरी कर लेता है। ज्योति सुबह उठती है, वो जरूरत होने के कारण पैसों के पास जाती है, मगर वहाँ सब कुछ खाली रहता है। बस उसे समझ आता है कि किसी ने सब कुछ चोरी कर लिया। दुखी होकर वो अपने पति के पास जाती है। देखिए ना, हमारे मेहनत के पैसे पूरा चुराए गए। तुम निराश मत हो ज्योति, कोई नहीं, हम फिर से मेहनत करके पैसों को बचाएंगे, आप नहीं सुधरेंगे, ऐसे गुस्से में कहके वहां से चली जाती है। सुबह होते ही वो उनके काम में लग जाते हैं, लेकिन ज्योति उसी बात को लेकर निराश होती है और काम करती है। उस दिन कोई भी उनके दुकान नहीं आते हैं, सिर्फ एक बूढ़ी और भूखी औरत आती है जिसको चंद्रैया खाना देकर बेचता है। हमारा अब तक बोनी भी नहीं हुआ है और आपने इस औरत को मुफ्त में खाना दे दिया, इसी कारण मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए अंत में कुछ नहीं बचेगा। और तो और अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे बात कर ही रही थी कि ग्राहक आना शुरू हो गए और ज्योति सबको इडली देना शुरू करती है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी में चावल की बोरियां लेकर उसी तरफ से जा रहा था। वहां की इडली खाने उनके दुकान जाता है। मुझे इडली चाहिए, प्लेट 10 का है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगली बार जब इस तरफ आऊंगा तो पक्का दे दूंगा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। पैसे नहीं है तो इडली नहीं मिलेगा। ज्योति ये कैसा बर्ताव है, बड़ों से क्या ऐसे ही बात किया जाता है। आप बैठिए, मैं इडली लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, इडली को प्लेट में रख के उस आदमी को देता है। दादा आप बुरा मत मानिए, उसे ठीक से बात करना नहीं आता है। इतने में वो पूरा इडली खत्म कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम्हारी अच्छाई देख मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं होने के कारण मैं तुम्हें ये चावल का एक बोरी दे रहा हूँ, मुश्किलों में इसका इस्तेमाल करना। ये कह के वो आदमी चले जाता है। देखिए आप ऐसे मुफ्त में सबको खाना दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, हमारे कष्टों को जानकर भी आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो उस बूढ़े आदमी ने हमें क्या दिया, एक चावल की बोरी और वो भी मुफ्त में। अगर हम अच्छे हैं तो सभी हमारा अच्छा ही चाहेंगे। ज्योति उस बोरी को देख बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आता है और इसी कारण उनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है। उन्हें नहीं समझ आता है कि क्या करें और इसीलिए घर पे बैठते हैं। उस आदमी ने कहा था कि कष्टों में इस बोरी का इस्तेमाल करना, और अब सिर्फ ये बोरी ही बचा है। इडली खाने के लिए चावल को आटा बना के इडली डालते हैं।
लेकिन इडली की जगह सोने को देख दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें वो सब जादुई लगता है। देखा ज्योति तुमने, इस चावल को उस दिन वो बूढ़े आदमी ने दिया है और तुम बुरा मान गई कि मैंने उन्हें मुफ्त में इडली दिया है। हाँ जी, हम जब एक बार किसी की मदद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आ ही जाता है। उस बूढ़े आदमी के रूप में भगवान आए थे हमारे पास। उन्हें तो मैंने बाद में या उससे पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद चंद्रैया अमीर बन जाता है। उसके बावजूद पति पत्नी दोनों इडली डालते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, भूखों को इडली मुफ्त में देते हुए खुश रहते हैं। हमारी सहायता और अच्छाई कोई न कोई रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है। एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबियत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं, आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे, पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहाँ सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबूओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा, ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के है भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है, और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबूओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू, ले लो जी ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना, बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब, ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना ले, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबूओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था, ताकि बचे हुए नींबूओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है।
एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबूओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना? कम से कम कुछ दिनों तो चला पाओगे ना? नवनीत बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा। मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह, आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा। मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी। बहुत समय पहले एक गांव में रमैया और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे, महेंद्र और महावीर। पिताजी महेंद्र को बहुत पसंद करते थे और उनकी माँ महावीर को बहुत पसंद करती थी। महेंद्र बहुत ही मासूम था, पर महावीर बहुत स्वार्थी था। वो सोचता था कि वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। रमैया खेती करके अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन रमैया अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के लाता है। पहले अपने पसंदीदा बड़े बेटे को कपड़े देता है और फिर अपने छोटे बेटे को कपड़े देता है। पर महावीर को अपने बड़े भैया के कपड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी, मुझे भैया को दिए हुए कपड़े अच्छे लगे, मुझे वही चाहिए। महेंद्र को अपने छोटे भैया से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपने कपड़े उसको देने का सोचता है। पिताजी, महावीर को मेरे कपड़े अच्छे लगे तो उसी को लेने दीजिए, मैं उसके कपड़े ले लूंगा। महावीर के पसंदीदा कपड़े मिलने पर वो खुश हुआ। ऐसे ही कुछ सालों में महेंद्र और महावीर दोनों बड़े हो जाते हैं और रमैया को दृष्टि की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता था और घर पे ही रहता था। मेरी पत्नी को हमारा छोटा बेटा बहुत पसंद है,
तो मेरे जाने के बाद वो मेरे नाम की सारी संपत्ति उसके नाम कर देगी। इससे पहले मुझे ही संपत्ति सारा उन दोनों के बीच में बंटवारा करना होगा। महेंद्रा, महावीर जी, पिताजी, मैं आज मेरे संपत्ति को तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। जाओ, जाके संपत्ति के कागज लेके आओ। मेरे बड़े भैया को मुझ पे पूरा भरोसा है। कुछ भी करके सारा संपत्ति मुझे अपने नाम करवाना होगा। भैया, आपको कैसी है क्षमा? आप वही पिताजी के पास रहिए, मैं लेके आता हूँ कागज। ठीक है, जो तेरी मर्जी। महावीर अपनी स्वार्थी बुद्धि से अपने भैया के साथ प्यार भरी बातें करके चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करवा के लेके जाता है। पिताजी, आपके इच्छा के अनुसार मैंने आपके संपत्ति को बराबरी से हम दोनों में बंटवाया है। ये महावीर तो मतलबी इंसान है, प्यार का नाटक करके सारी संपत्ति उसके नाम करवा लिया होगा। पर ये महेंद्र को अपने भाई पे पूरा भरोसा है। महेंद्रा, जरा अपने भाई के लाए हुए कागजों पे जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना बेटा। पिताजी, जैसे अपने चाहा महावीर ने वैसे ही किया। अब वापस पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहके रमैया संपत्ति के कागजों पे बिना कुछ सोचे अपना हस्ताक्षर कर देता है। महावीर बड़े खुशी से कागजों को ले लेता है। हा हा हा, अब इस पूरी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहे हो तुम महावीर? भैया, मुझ पे पूरा विश्वास करके सारी संपत्ति के कागजों पे पिताजी के कहने पर भी बिना पढ़े उनके हस्ताक्षर करवा के सारी संपत्ति मेरे नाम करवा दिया आपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि संपत्ति के लिए तुम ऐसे धोखा दोगे। रमैया को अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा मत मानिए पिताजी, मुझे तुम दोनों संपत्ति से बहुत बढ़कर हो। महावीर संपत्ति के कागज लेके अपने माँ को बिन बताए वहां से चला जाता है। बड़े प्यार और लाड़ से बड़ा किया था उसको मैंने, और मुझे एक भी बात ना बता के वो संपत्ति लेके चला गया यहाँ से। ऐसे सोचकर जानकी अपने आप में बहुत दुखी थी। संपत्ति के ना होने पे महेंद्रा अकेले मेहनत करके पैसे कमा के अपने माता पिता की देखभाल करते खुश रहता था। महावीर अपने पिताजी के दिए हुए संपत्ति से व्यापार शुरू करके उस संपत्ति को दुगना करने की सोच में पड़ जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए, इस सोच में पड़ जाता है। हाँ ठीक, चावल व्यापार शुरू करूंगा मैं, चावल की जरूरत तो सबको है। ये सोचकर वो चावल की थैलियों को खरीदने जाता है। एक चावल के थैली कितने का है? इस चावल का थैली का दाम आने वाले साल में 2 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। अगर इसके पास मैं सारे चावल के थैली खरीद के अगले साल बेचूंगा तो मेरा संपत्ति दुगना हो जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ बोले बिना क्या सोच रहे हो आप? क्या सच में चावल के थैली का दाम अगले साल 2 गुना बढ़ जाएगा? हाँ भाई साहब, सच में इस किस्म का चावल आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे आपके दुकान के सारे चावल के थैली बेच दीजिए। ऐसे कहकर महावीर उन सारी थैलियों को खरीद के एक दुकान भी खरीद के उसमें रख देता है। अगले साल आकर उन थैलियों को बेचकर अपना संपत्ति दुगना करने की सोचता है। जैसे उस दुकानदार ने कहा था, वैसे ही थैलियों का दाम 2 गुना बढ़ जाता है और उस दुकान में सहायकों को भी काम पे लगा देता है महावीर।
महावीर के दुकान के अलावा कहीं और उस तरह का चावल आसानी से ना मिल पाने के वजह से बहुत लोग वहां से खरीदते थे। मगर चावल के थैलियों को ठीक तरह से नहीं रख पाने के वजह से चावल का गुणवत्ता गिर जाता है और अक्सर चावल खराब भी हो जाता था और खरीददार सारे थैलियों को वापस दुकान लेके आते थे। इतना महंगा चावल का थैली खरीद रहे हैं और उसमें कीड़े भरे हैं, ये क्या है जी? आप अपना थैली ले लो और मुझे मेरा पैसे लौटा दो। हाँ हाँ, हमारे भी थैलियाँ ले लो और हमको हमारे पैसे लौटा दो। सारे खरीददार के चिल्लाने पे महावीर डर जाता है और थैलियाँ लेकर उनको उनके पैसे लौटा देता है। सोचता है कि बाकी के थैलियाँ तो बिकेंगे, पर देखने पर पता चलता है कि वो भी वैसे ही हैं। ये देख महावीर दुखी होता है। ये सब मेरे स्वार्थ के वजह से हुआ है। अगर तभी मैं इन थैलियों को बेच देता तो ये स्थिति नहीं आती। कम से कम मेरा ये तकलीफ बांटने के लिए भी कोई नहीं है। माँ, पिताजी और भैया को धोखा देकर जो संपत्ति लाया हूँ उसको भी नष्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और महावीर की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ उसके बड़े भैया निस्वार्थ के वजह से खुशी खुशी जी रहे होते हैं। व्यापार में लाभ आने के कारण अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करता है। महावीर को अपने गलती के एहसास होता है। अकेलेपन से थक के अपने परिवार वालों से माफी मांग के अपने घर वापस जाने की सोचकर घर चला जाता है। अपने छोटे बेटे के घर आते देख जानकी बहुत खुश होती है। महावीर उसकी दुखी कहानी सुनाकर माफी मांगता है। परिवार वाले ये सुनकर खुश होते हैं कि महावीर को अपने गलत स्वभाव का एहसास होता है और उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और वे सब हमेशा के लिए खुश रहते हैं।